नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। नमस्कार, मैं हूं राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। पाकुड़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर 5 ग्राम शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। मुफसिल थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज ने बताया कि SPHP जनार्दनन को गुप्त सूचना मिली थी कि मुफसिल थाना क्षेत्र के इलाके में अवैध नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और इसकी समय समय पर मिल रही सूचना के आधार पर SPHP जनार्दनन के द्वारा थानेदारों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया जाता है और इसी के गुप्त सूचना के आधार पर SP के द्वारा SDPO अजीत कुमार विमल के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया था। छापेमारी टीम में मुफस्सिल थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज, पुलिस अवर निरीक्षक संतोष यादव शामिल थे। गठित छापेमारी टीम ने बेल पोखर गांव में छापेमारी करते हुए हेंजला शेख को धर दबोचा और उसकी तलाशी ली गई, तो उसके पॉकेट से 5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया जिसकी कीमत हजारों रुपए है। मुफस्सिल थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज के द्वारा बताया गया कि पूछताछ के क्रम में पकड़े गए आरोपी ने बताया कि वह ब्राउन शुगर बेचता था और साथ ही उसका सेवन भी करता था। गिरफ्तार आरोपी ने कई अन्य लोगों का नाम बताया है जो ब्राउन शुगर का सेवन करता था, साथ ही बेचता भी था। पुलिस उन लोगों को भी खोजबीन कर रही है। 18/1/2022 को पुलिस अधीक्षक महोदय पाकुड़ को सूचना प्राप्त हुई थी कि बेलपोखर में अवैध ब्राउन शुगर का बिक्री एवं सेवन किया जा रहा है, तो उनके निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया और छापेमारी कर एक व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया है और उनके पास से 5 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।